मुल्क में एक आईनी बहरान पैदा हो गया है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। अगर अपोजिशन जमातें हुकूमत को गिराना चाहें तो ये एक मिनट का काम है, लेकिन सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के हटने से मसला हल नहीं होगा। मौलाना ने बहुत बड़ा मार्च किया, वो अपनी ताकत को रिफॉर्म्स के लिए इस्तेमाल करें। सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल का मौलाना फजलुर रहमान को मशवरा। वो भी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है, वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम रहे हैं। अगर वो सही होते तो पाकिस्तान आज उनके पास हुकूमतें रही हैं, आज भी हुकूमत है, पाकिस्तान का ये हशर नहीं हुआ वो होता। तो मौलाना साहब के पास आज जो ताकत आई है, इस ताकत को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म करवा दें, ऐसी आईन में तरमीम करा दें कि किसी इंसान के अच्छे या बुरे होने से फर्क ना पड़े, इख्तियारात और वसाइल नीचे चले जाएं, ग्रास रूट लेवल पे चले जाएं, तो मौलाना की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी पाकिस्तान के लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए, मैं समझता हूं।